हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम नाजिम है और आप देख रहे हैं नाजिम यूट्यूबर को। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि केरला का सिहाब भाई जब से पैदल हज पे चला है तब से मानो हिंदुस्तान में पैदल हज पे जाने का रेस लग चुका है। तो ऐसे ही एक हमारे और भाई है जो पैदल हज पे जा रहा है, तो इसका भी वीडियो जरूर देखिए। तो पहले वीडियो देखिए फिर वीडियो के बाद बात करते हैं। आपकी तरह ये भाई भी निकल चुके हैं, भाईजान भी निकल चुके हैं हज पे। तो भाई साहब से पूछते हैं कि ये कहाँ से आ रहे, कहाँ से नहीं देख ली, इनके साथ में ही काफी लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो भाईजान आप कहाँ से आ रहे हैं? काफी टाइम से आप चल रहे हैं क्या? नहीं चल तो अभी दो दिन से रहे हैं। अच्छा अच्छा, और ये लोग भी जा रहे हैं क्या? आप लोग भी जा रहे हो? थोड़ी देर के लिए साथ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो छोड़ने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई जान ये बताइए, आपके पास वीजा है? वीजा नहीं है। वीजा नहीं है? नहीं। तो कैसे आप जा पाओगे वहाँ पर? अल्लाह की रहमत से पहुँच जाएंगे पैदल पैदल। अच्छा, अल्लाह की रहमत से पैदल पैदल पहुँच जाओगे, तो भाई जान आप थोड़ा रुक जाएंगे। ठीक है। तो आप बताओ, तो जानते हैं आप शिहाब की तरह भाई, आपने कोई प्रैक्टिस की है क्या? हाँ, 10-12 साल पैदल चलने की प्रैक्टिस की है। 10-12 साल? तो आपके मन में कैसे, आपके दिमाग में कैसे ख्याल आ गया कि हम पैदल हज यात्रा जाएं? जैसे शिहाब भाई जा रहे हैं पैदल, हाँ हाँ, उनके स्वागत के लिए और आदमी, हाँ हाँ, उनके स्वागत में हम समझ रहे हैं काफी लोग जा रहे हैं, काफी लोग है, काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी जैसे अपना जिला क्रॉस करेंगे, हाँ हाँ, अगले जिले वाले मिलेंगे, वो पूछेंगे, उनको बताएंगे कि हम हज पे जा रहे हैं, हाँ? तो हमारा रास्ते का थोड़ा ख्याल रखेंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे निकलते रहेंगे। अच्छा अच्छा, आदमी मिलते रहेंगे। अच्छा, ये देखिए भाई, और ये आपके सपोर्ट में ही सारे लोग आ रहे हैं ना? ये आपके गांव के तो है नहीं? गांव के नहीं, हमारे सपोर्ट के हैं। ये आपके सपोर्ट में देखिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो आपकी सेफ्टी के लिए जा रहे हैं ना? सेफ्टी के लिए जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई जान आप बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आप पहुँच पाओगे वहाँ पर? भाई हिम्मत करना हमारा काम, बाकी पहुंचाना तो अल्लाह का काम है। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। कुछ मौलाना बोलते हैं कि आप अगर पैदल जाओगे, आप लोग पैदल जाओगे तो हज कबूल नहीं होता है, कुछ ऐसा है क्या? पैदल जाने से ज्यादा एक पक्की वो है। अच्छा अच्छा, पक्का हज होता है। हाँ, और जितनी मेहनत से जाएंगे, जितनी तकलीफ हमको होगी उससे ज्यादा सवाब ऊपर वाला हमको देगा। अच्छा अच्छा, तो आप अल्लाह से क्या मांगना चाहेंगे? इतनी कड़ी आप क्यों, आपको पता है कि कितनी दूर है, कितने कितने? हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, जो भाई हमारे साथ पीछे पीछे चल रहे हैं इनके लिए दुआ मांगेंगे। अच्छा, दुआ मांगेंगे वाले के लिए, अपने जिले वालों के लिए दुआ करेंगे। अच्छा अच्छा, भाई जान आप बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई जान आप ये बताइए, तो आपको पता है कि आपको कम से कम 1-2 साल पहुँचने टाइम लग जाएगा पहुँचने में? पूरा 11 से 11.5 महीना लगेगा पैदल चलने में। इतना चल पाएंगे आप? चलेंगे, अभी 3 दिन से चल रहे हैं। 3 दिन से आप चल रहे लगातार? हाँ, कहीं रुके, कहीं आप रुके हैं कि नहीं रुके हैं? आराम किए। कितने घंटे के लिए? घंटा तो घंटे के लिए। दिन में आप कितनी बार चलते हैं? दिन में 25 से 30 किलोमीटर तक चल जाते हैं। 25 से 30 किलोमीटर तक भाई जान आप चलते हैं, क्या बात है। और रास्ते में अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो? दवाई रखी हुई है, बाकी अल्लाह के करम से तबीयत नहीं खराब। मतलब जितना है सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रखा है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके घर वालों ने आपको जाने दिया है क्या? हाँ, अपने वहाँ थाने में परमिशन लिया। हाँ, थाने वाले, अगले थाने वाले से परमिशन लिए, बोले हमारा एक बंदा जा रहा है। हाँ, तो हम घर वाले से राय लिए, बोले चले जाओ। तो आपको हज जाने के लिए थाने से परमिशन क्यों लेनी पड़ी? ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं जा पाते? चलो बढ़िया है, तो आपके पास पासपोर्ट ये सब है नहीं, आप निकल पड़े हो। चलो हम घर वाले से दुआ करेंगे कि आप सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाएं। अच्छी बात है, बस दुआ और में याद रखो, हम याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, चलिए आपसे हमको बात करके बहुत अच्छा लगा भाईजान। ठीक है, तो जब आइएगा तो हमें, हमसे जरूर मिलिएगा वहाँ से घूम के। ठीक है भाईजान, ठीक है, आप जाइए आप लोग। ठीक है, इनको छोड़ आइए जहाँ पर और लोग मिल जाएंगे, बस ख्याल रखना भाईजान का। तो जैसा कि आप लोग ये वीडियो में देखा कि लोग कैसे मतवाले होकर के पैदल हज पे जा रहा है, नहीं वीजा नहीं पासपोर्ट नहीं कोई गवर्नमेंट का रूल फॉलो किया और पैदल हज पे निकल चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।